बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे इस निस्बत से जमा हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स लेने का फ़ैसला जो कि हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने हमें ज़हनी मफलूज करके रखा हुआ है, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो आपने दो खुदकशियाँ देखी हैं, आपने अभी दो स्टूडेंट्स को मरते देखा है, लेकिन आप मुस्तकबिल में ये जो आपने जो रेशो आपने जो बताई हुई है असम्बलियों में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये रेशो औसतन बढ़ेगी, लोग खुदकशियों की तरफ जाएंगे। इतनी हमने शफकत महमूद को इज़्ज़त दी, मैं अपने हर स्टेटस में उन पर लगाता था कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, मैंने इतनी इज़्ज़त दी उनको, लेकिन आज जो इन्होंने फैसला करके हमें जिस किनारे पे खड़ा कर रखा है, मुझे लगता है कि वहाँ हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है जो कि खुदकशी का है। लेकिन अगर आप हमारे मामलात, हमारे जो मुतालबात हैं वो आप सुनेंगे नहीं, तो मैं आपको वल्ला आलम कहता हूँ कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स ज़हनी मफलूज होकर आज इस तपती सूरज पर यहाँ पे खड़े हैं, 43 सेंटीग्रेड का यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे ये खड़े हैं, और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप ये हमें प्रमोट नहीं करेंगे, अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, तो ये हमारे लिए आखिरी हमारे लिए एक इम्तहान आप लेंगे, और ये आप देखेंगे कि हम मज़ीद आपके इस फैसले के सामने टिकेंगे।